नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बिहार में ऑपरेशन यादव शुरू कर दिया है। आने वाली 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पटना आ रहे हैं। माना जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने उन्हें बिहार बुलाया है। उनके जरिए बिहार के यादव वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के पटना आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जाएंगे, जहां श्री कृष्ण चेतना मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां मोहन यादव को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सम्मान समारोह में यादव समाज के कई बड़े नेता, रिटायर्ड अधिकारी और जजों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के बाद मोहन यादव पटना स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर जाएंगे। वहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाद सीएम मोहन यादव इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। वहां श्री कृष्ण का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि यादवों को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। बिहार सरकार की जाति गणना रिपोर्ट में यादवों की आबादी सबसे ज़्यादा 14.26% है। यह वोटर किसी भी चुनाव में प्रभावशाली फैक्टर माने जाते हैं। यादवों को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की नज़र भी यादव वोटर्स पर है। आरजेडी के इसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को बिहार बुलाया है। बिहार के अलावा यूपी और हरियाणा में यादव काफ़ी तादाद में हैं। बिहार और यूपी में लोकसभा की 120 सीटें हैं। केंद्र की सरकार के लिहाज से यह काफ़ी मायने रखती हैं। काफ़ी वक्त से बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनाया जाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अब इस रणनीति को बढ़ाने के लिए मोहन यादव की पटना में जनसभा करवाई जा रही है। हालांकि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, यह तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।